सत श्री अकाल जी सारे नू, वेलकम टू नवनीत किचन विलॉग। तो अज असी जी रैसपी लैके आए वह है जी आंवले का अचार। तो आंवले का अचार बनाने लिए ये अपन ले देसी आंवले, तुम देख सकते हो छोटे आ, तो जोड़े छोटे होंगे वो देसी होंगे आ, तो हूँ थोड़े जोड़े आ पकने भी शुरू हो गए, थोड़े थोड़े रैड रैड वेख लो तो, मतलब कि इन्हों का सीजन जाने वाला ही है। सो यह है कि तुम पता कि आंवला जोड़ा आ विटामिन भरपूर, जिमें कि विटामिन सी भरपूर आ, आयरन भी हों। सो जरा ये खाना बहुत वधिया सेहत लिए, हर रोज़ डेली जरा एक आंवला तो मुरब्बे के रूप लै लो, जां अचार दे लै लो, जां चटनी किसी भी रूप जरा जरा सेवन करना चाहिए आ। सो अज बना लगे असं इस तो अचार, बस थोड़े जे बेसिक थोड़े जे जड़े साड़ी लूनदानी जी जड़े मसाले होंगे आने उही मसाले पा के बन भी इन्हें बहुत छेती जाना है। तो पहले भी रैसपी काफ़ी है मेरिया अचार दियाँ आंवले दियाँ, तो ये थोड़ा जहाँ आप डिफरेंट कर लगे हैं। ये असी जड़े आंवले इस तरह शेक कर लो, बिच चोप कर लो फोक नाल, जिमें कि मैं नाइफ ना करती पी कर दना करती पी हाँ, इस तरह कर लो। पहले इन्हों धो लो चंगी तरह, धो के तो सुका लो क्योंकि पानी ना रवे इन्हों बिल्कुल। इस तरह इन कर लो, इस तरह करन दा मतलब यह है कि ये अंदर तक जड़ा आ मसाला जड़ा आ लून मिर्च जो भी असी पाउणा आ वो अंदर तक चल जूगा। तो एक तो इन इस तरह कर सकते, दूसरा इन इस तरह टक ला लो, इस तरह भी कर सकते जी दो तरीके। सो पहलों आप सारे कर लें लो जी, इन्हां दे विच जिहड़ी आ सारियां च मैं शेक जे कर लिया, थोड़े कट लिया, थोड़े इन शेक कर लिया। इधर असी रख लिया पैन, तो पैन दे विच पावांगे सरों का तेल एक कौली तो घट्टी आ, जिन्ने के तुसीं आंवले ले उहदे हिसाब नाल पा लो। इहनू पहलों असी गर्म कर लाँगे चंगी तरह, तेल जिहड़ा आ तेल चंगी तरह गर्म हो गया, इहदा कच्चापन दूर हो गया। तो हुण पहलों ये जड़े आंवले पाने सिम से कर लिया क्योंकि इन हौली हौली मीडियम अग पर पकाना है। मसाले भी आप ऐड कर सकते हैं पहलों, पर पहले जो पाए तो इन्होंने सड़ जाना मसाले ने, तो जोड़ा मसाला मैं बाद पाना है, पहले इन्होंने पकाना है। तेल पहला गर्म से पर मैं हूँ बिल्कुल इन ना मीडियम स्लो तो कर दिता है क्योंकि जे आप तेल से पकाया तो भी क्यों फिर पकने ही है। सो इन आप हौली हौली अग पर पकावे मीडियम फ्लेम से, इनू 10 मिनट लग जाने आप जो हौली हौली पकाया बिचों बिचों बनाते रहो। तो बाकी तुम पता है कि विटामिन सी ए बहुत ज़्यादा होंगे आ, सो जिन्हों विटामिन सी की कमी आ वो जरा जरा जरूर खाण। असी जरा मतलब कि मैं लगता 4th-5th बार असी जरा अचार बना लिया था, पर बनाने असी थोड़ा जहा बना लो, थोड़ा जहा खा लो। जे तुसी ज़्यादा बना के रखना फिर वो जरा तेल बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि तेल के डिप होना चाहिए, फिर ही अचार जोड़े खराब नहीं होंगे। तो जो तुम थोड़ा बनाते जे तो फिर यह आ कि तेल ज़्यादा पाने की लोड़ नहीं, घट तेल से जिमें कि मैं भी घट पाया, ये भी तेल ज़्यादा है ये थोड़ा जहा, पर मैं पहलों फ्राई करना ही तो ना ही असी इनू पहलों बॉयल किया, बॉयल करके भी बन जाते हैं, पर ये थोड़े आप डिफरेंट तरीके बना रहे हैं, ज़्यादा असी इस तरीके ही बनाने बॉयल कर तो बगैर, क्योंकि ये थोड़ा जहा बनाओ तो थोड़ा जहा ही छेती हफ्ते के ख़त्म हो जाता है। इनू तुम बना के फ्रिज में रख सकते जे, तो चल जाता हफ्ता एक चल जाता, खराब भी नहीं होंदा। तो जे तुसी ज़्यादा देर रखना तो फिर जोड़ा तेल तुम जो ज़्यादा पाना पेगा। ये बस ना पकन वाली है, कुछ तो पक गए बच्चे जिमें कि सॉफ्ट हो गए, तुम देख सकते जी कुछ अजे थोड़े उपर जोड़े रह गए वो कच्चे आ, तो कलर इन्हों का चेंज हो गया, बस थोड़े ज्यादा टाइम इन्हें होर पका लेंगे जोड़े रेंगे वो भी पक जाए। ये
लो जी ये पक गए ने। हुण मैं इन्हां सारे नूं साइड ते थोड़ा जिहा ना विच जिहड़ा तेल आ जिथे उत्थे मैं मसाले पाऊंगी, क्योंकि जे पहलों पाइए ते मसाले जिहड़े आ सड़ जांदे आ। इह मैं थोड़ी जिही जगह बना ली आ, इहदे विच मैं सारे जिहड़े आ मसाले ऐड करने ने। जिवें कि इहदे विच पाऊंगी मैं 2 चम्मच सौंफ दे, फिर आ गए विच दो चम्मच ही असी पावांगे इहदे विच मेथरे। ये तुसी अपने टेस्ट अकॉर्डिंग वर्क घट भी कर सकते जी। हुण असी पावांगे इहदे विच लाल मिर्च का पाउडर, अपने टेस्ट अकॉर्डिंग पा लो। नाल ही पावांगे हल्दी, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, थोड़ी जी अजवाइन, ना जी सारे मसाले पा लेते हैं। जे पहलों पाओ तो सड़ जाते हैं, सो ये है कि जो आप थोड़ी देर पकावे तो तेल गर्म तो इन्होंने जोड़ा पक जाना होने ही। हूँ आप सारे कर दें मिक्स, ये तुम जी देगी मिर्च पा सकते जो कलर वास्ते जो तुम बहुत छेती अचार बन जाता है, तो ना सब तो सौखा तरीका है, ना उबालन की लोड़ आ, ना ही स्टीम करन की लोड़ आ। बस तुम सीधा तेल पाओ तो बनाओ तो खाओ, तो विटामिन सी भरपूर लाओ इस तो। बस 2 मिनट इंटर रखोंगे पका लेंगे, हम सारे बहुत सॉफ्ट हो गए, सारे अंजी टुटते जा रहे हैं। बाकी मसाले तुम जे वध भी पा सकते जे, जिमें कि असी मसाले घट खाने, इस तो ज़्यादा भी लून तुम अपनी चॉइस ना पा लो, मिर्च पा लो। बस थोड़े जे मसाल तो जरा अचार आवले का बन के तैयार है जी। हम करते हैं असं गैस बंद, अचार बिल्कुल रेडी आ। ठंडा होने पर असी किसी जोड़े कच्च के बर्तन च अचार जोड़ा हमेशा ही कच्च के बर्तन च पाना चाहिए आ, तो प्लास्टिक के डब्बे अचार ना पाओ। इनू गंदे थोड़े जे संभालन दे ट्रिक आ कि इनू गंदा हाथ ना लगे, गिला हाथ ना लगे, आटे वाला खास करके हाथ ना लगे। नहीं तो हमेशा जिहड़ियां बीबियां इंज ही करदियां कि नाल ही रोटियां पकाउंदियां नाल ही जिहड़ा अचार कढ दिंदियां। सो जो भी तुसीं अचार खाणा उहनूं एक वक्री कौली च कढ लो, जां उहदे च हमेशा चमच लाओ। तो चमच ये नहीं कि एक वारी गड्डिया उहदे विच रख छड़िया तो बस जी उही खा उही उही वरतदे रहो, जिन्ना कि कढना खाणा वरतना तो उह चमच जिहड़ा बाहर कढ लो। चमच भी सुक्का होगा? हाँ चमच भी जिहड़ा आ सुक्का होना चाहिए आ। लो जी अचार बन के तैयार आ, तुम देखो हूँ माड़ा जहा भी हिलाया तो टुटते जा रहे हैं। सो ये जड़ा आ बस हूँ थोड़े दिनों का परौना ही आ, मतलब कि खत्म होने वाला सीजन आंवले का, तो क्योंकि आंवले पकने पकने शुरू हो गए नाले। आप जो देसी आ देसी के जोड़े बेनीफिट ज़्यादा होंगे ने, सो तुम जरूर बनायो तो बच्चों भी दो। आंवले का खाधा तो सियाने का क्या कहते बाद पता लगता आ। सो मिलते हैं जी नैक्सट डे किसी नैक्सट वीडियो, थैंक यू तुहाडा सारयां दा वीडियोज़ देख।